आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 9632 पहुंच गया है, वहीं 125 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 9632, स्वस्थ 6173, एक्टिव 3334, मौतें 125। वहीं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 2031, नैनीताल 1507, टिहरी गढ़वाल 591, हरिद्वार 2111, उधम सिंह नगर 1723, पौड़ी गढ़वाल 276, अल्मोड़ा 322, बागेश्वर 165, चमोली 113, पिथौरागढ़ 193, रुद्रप्रयाग 101, उत्तरकाशी 348, चंपावत 151। मौसम समाचार। प्रदेश में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आज भी प्रदेश के कुछ पहाड़ी और मैदानी जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही देहरादून में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। आज राजधानी देहरादून समेत हरिद्वार और हल्द्वानी में तेल के दाम स्थिर हैं। देहरादून में कल पेट्रोल के दाम थे 81.43 रुपये, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल देहरादून में डीजल के दाम थे 74.10 रुपये, यही आज के भी हैं। हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम है 80.98 रुपये, वहीं डीजल के दाम है 73.45 रुपये। हल्द्वानी की बात करें तो पेट्रोल के दाम है 81.11 रुपये, वहीं डीजल के दाम है 73.65 रुपये। जानिए देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। आईटीबीपी के डीजी भारत चीन सीमा पर स्थित अंतिम चौकी का करेंगे निरीक्षण। आईटीबीपी के डीजी सुरजीत देशवाल आज चमोली में भारत चीन सीमा पर स्थित अंतिम चौकी का निरीक्षण करेंगे। रविवार को 28 हिमवीरों के साथ फूलों की घाटी ट्रैक से माणा पास के लिए रवाना हुए थे। बता दें कि गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार सीमाओं पर अपने सैनिक तैनात कर रहा है। एचसी में रोडवेज कर्मचारियों के सैलरी और एस्मा मामले में होगी सुनवाई। रोडवेज कर्मचारियों को सैलरी न मिलने और कर्मचारियों पर सरकार की ओर से एम्सा एस्मा लगाने के मामले आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने कर्मचारियों को सैलरी न मिलने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है। राजभवन कार्यालय आज रहेगा बंद। उत्तराखंड के राजभवन कार्यालय में तैनात एक महिला अधिकारी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस कारण राजभवन कार्यालय सोमवार को बंद रहेगा। साथ ही रविवार को राजभवन को पूरी तरह सैनिटाइज भी किया गया है। राजभवन परिसर का एक हिस्सा सचिवालय के रूप में भी काम करता है। पिथौरागढ़ में लॉकडाउन लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कोरोना नियंत्रण के लिए पिथौरागढ़ शहर में लॉकडाउन लगाने की मांग को लेकर कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि पिथौरागढ़ में 193 कोरोना केस मिल चुके हैं, जिसमें से 91 लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं, जबकि अभी भी 102 एक्टिव केस हैं। बंदरों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन भेजेगा जन अधिकार मंच। अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में बंदर आतंक के पर्याय बन चुके हैं। बंदरों को पकड़ने और पुनर्वास के लिए जन अधिकार मंच का एक शिष्टमंडल आज नागरिक सुविधा अधिकार के तहत नगर पालिका परिषद अध्यक्ष से मुलाकात करेगा और मामले को लेकर ज्ञापन भी भेजेगा। डीएम से मुलाकात करेंगे जिला पंचायत सदस्य। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत सदस्य आज डीएम वंदना से मुलाकात करेंगे। इस दौरान जिला योजना को मनमाने तरीके से बांटे जाने को लेकर बातचीत करेंगे, साथ ही इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। काशीपुर नगर निगम चलाएगा चेकिंग अभियान। काशीपुर नगर निगम आज जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर के मुख्य बाजार और व्यस्ततम क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाएगा। कोविड 19 के नियमों का पालन न करने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी, जबकि लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। फिलहाल बंद रहेंगे स्कूल, अभिभावकों की ली जाएगी राय। अभिभावक अभी स्कूल खोले जाने को लेकर आशंकित है। अभिभावकों ने अपनी इस आशंका से विभिन्न राज्य सरकारों और सरकार को अवगत कराया है। अधिकांश अभिभावक नहीं चाहते कि फिलहाल स्कूल खोले जाएं। वहीं सरकार ने भी अभिभावकों को छात्रों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। इसी बीच सरकार ने कहा है कि स्कूलों को दोबारा खोले जाने पर अभिभावकों की राय ली जाएगी। वहीं देहरादून में वन विभाग ने 150 सांपों को किया रेस्क्यू।
बरसात के मौसम में पानी भरने के कारण जमीन के अंदर रहने वाले सांप बाहर निकल आते हैं। ऐसे में इन जीवों से इंसानों और जानवरों को खतरा बना रहता है। वहीं वन विभाग की टीम ने अभी तक 150 से अधिक सांपों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है। बारिश ने बढ़ाई दुश्वारियां, मसूरी में मार्ग खोलते समय पलटी जेसीबी मशीन, चालक घायल। मसूरी में देर रात से हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी के एमटी रोड सांझा दरबार के पास पेड़ गिरने से मार्ग बाधित हो गया। पेड़ हटाने के लिए बुलाई गई जेसीबी मशीन भी पलट गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देहरादून में एंटी डेंगू अभियान डेंगू का डंक रोकने में मददगार। डेंगू के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए एंटी डेंगू अभियान के तहत लगातार पिछले 2 महीनों से आशा वर्कर एवं फैसिलिटेटर्स की टीमों द्वारा घर घर में जाकर लार्वा को चेक करने का काम किया जा रहा है। हालांकि देहरादून जनपद में अभी तक कोई भी एक्टिव केस डेंगू का नहीं मिला है। मानकों के विपरीत संचालित हो रही फैक्ट्रियां, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भेजा नोटिस। कोरोना संक्रमण के चलते बंद किए गए औद्योगिक संस्थान अब अनलॉक प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। ऐसे में अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सक्रिय हो चला है। वहीं विभागीय मानकों के विपरीत फैक्ट्रियों का संचालन करने वाले मालिकों को नोटिस भेज दिया गया है। डीडीहाट की लापता प्रवक्ता का शव पेड़ से लटका मिला। डीडीहाट में लापता जीजीआईसी की प्रवक्ता का शव 96 घंटे बाद असनोला के पास जंगल में पेड़ से लटका मिला। शव के पास एक डायरी भी मिली है। दिवंगत रिटायर्ड शिक्षकों के नाम प्रमोशन लिस्ट में डाल दिए। शिक्षा विभाग ने हेडमास्टर और प्रधानाध्यापिका महिला शाखा की अनंतिम सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। इन सभी की नियुक्ति वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 के बीच की है। दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में बड़ी संख्या रिटायर और दिवंगत शिक्षकों के नाम भी शामिल है। लापता डाकिया का शव गधेरे में मिला। विकासखंड के नामती चेटाबगड़ गांव से 3 दिन पूर्व लापता हुए पोस्ट डाकी का शव महरगढ़ गधेरे में मिला। उसकी मौत से परिवार में मातम पसर गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है। क्षेत्रीय विधायक बलवंत भौरियाल ने भी गांव जाकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया, परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कई राउंड की काउंसलिंग के बाद भी खाली पड़ी 23 सीटों को भरने के लिए एचएनबी मेडिकल वीवी की ओर से एक बार फिर से काउंसलिंग कराए जाने की तैयारी है। वीवी की ओर से जिन कॉलेजों में सीट खाली है उनमें काउंसलिंग के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। धारचूला मुनस्यारी में फिर हुई आफत की बारिश। जनपद के सीमांत में फिर आफत की बारिश हुई है, जिससे जनजीवन पटरी से उतर गया है। उफनाते नदी नाले लोगों को डरा रहे हैं। मुनस्यारी जौलजीबी सड़क में मोटरमार्ग पुल बह जाने के बाद पिछले दिनों सैंथल पर बनाया गया काठ का पुल बह गया है, जिससे 20,000 से अधिक की आबादी का संपर्क शेष जगत से कट गया है। शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म। शादी का झांसा देकर एक युवती से एक युवक 2 माह तक दुष्कर्म करता रहा। युवती ने शादी करने का दबाव बनाया तो उसने इनकार कर दिया। इस बीच युवती ने पुलिस से शिकायत करने की धमकी दी तो युवक शादी करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद युवक युवती को रुड़की में छोड़कर फरार हो गया। युवती ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। कलियर थाना क्षेत्र निवासी एक युवती रुड़की में एक ऑफिस में काम करती थी। कुमाऊं वीवी के लिए परीक्षाएं करवाना चुनौतीपूर्ण बना। कोरोना महामारी के बीच यूजीसी की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद राज्य सरकार ने परीक्षाएं कराने का फैसला लिया है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सिर्फ आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने की बात कही गई है, लेकिन कुवीवी की ओर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे सबमरीन केबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे देश के अन्य हिस्सों के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज और अधिक विश्वसनीय मोबाइल व लैंडलाइन दूरसंचार सेवाएं मिल सकेगी। विश्व जैव ईंधन दिवस, जानिए अक्षय संसाधनों का महत्व। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में और गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले और जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा साल 2015 से यह दिवस मनाया जा रहा है। युवाओं को रोजगार देने में फेल रही सरकार, नैथानी। पूर्व शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रदेश सरकार
पर युवाओं को रोजगार देने में असफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे तकरीबन 96,000 पदों पर भर्ती नहीं की गई। कोरोना के कारण वापस लौटे युवाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। कैदी मर गया, नाड़ा नहीं टूटा। सलाखों के पीछे कैदी फांसी का फंदा कस रहे हैं सरकार। रविवार को सेंट्रल जेल के एक कैदी ने बाथरूम में लगे शावर के सहारे लटककर जान दे दी, वो भी अंडरवेयर के नाड़े से। अब सवाल उठ रहा है कि नाड़ा इतना मजबूत था कि एक आदमी उस पर झूल गया और नाड़ा नहीं टूटा, बल्कि उसको फंदा बनाकर झूलने वाला आदमी मर गया। कुल मिलाकर आत्महत्या की यह गुत्थी सुलझती कम उलझती ज्यादा दिख रही है। रविवार को नानक मत्ता के ग्राम देवकली के रहने वाला कैदी बाथरूम में जाकर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या में भले लोगों को उतना नहीं चौंकाया, लेकिन जिस नाड़े को फंदा बनाकर वह झूला, उस नाड़े की मजबूती की चर्चा हर किसी की जुबान पर होती रही। ऐसे में कैदी की आत्महत्या करने का मामला बुरी तरह से उलझ गया।